आज की वीडियो में आपको जया बच्चन के बारे में एक सैड न्यूज बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है और कोविड प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे में एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरफ से सैड न्यूज सामने आई है। बताया जा रहा है कि जया बच्चन कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। जया बच्चन इस समय रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म की शूट कर रही थी और कुछ दिनों से तबीयत के खराब होने पर जब टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि कोविड है। जया बच्चन ने कोविड पॉजिटिव होने पर सबको इन्फॉर्म किया और फिल्म की शूट फौरन ही रोक दी गई है और अब सभी सेलिब्रिटीज अपने टेस्ट करवा रहे हैं। जया बच्चन इस समय अपने घर में ही क्वारंटीन हो गई हैं और उनकी एज को देखते हुए घर में ही उनकी सुख सुविधा को पूरा ख्याल रखा जा रहा है और उनके लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इससे कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग पर बता चुके हैं कि उनके एक हाउस स्टाफ भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, जिसके कारण वो सब घर वाले बहुत परेशान रहे हैं और सभी क्वारंटीन भी रह चुके हैं ताकि उनके घर से वायरस कहीं बाहर ना पहुंचे। बट स्टिल इतना ख्याल करने के बाद भी काफी समय बाद जया बच्चन कोविड पॉजिटिव हो गई हैं और अब जया बच्चन के कोविड पॉजिटिव होने के बाद फिर से पूरी फैमिली अपने टेस्ट करवा रही है और सारी फैमिली भी क्वारंटीन हो चुकी है ताकि अगर उनमें से भी किसी को कोविड पॉजिटिव है तो वो बाहर ना जा सके। लास्ट ईयर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन भी कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं। वी विश अ स्पीडी रिकवरी टू जया बच्चन। आपको जया बच्चन के कोविड पॉजिटिव होने के बारे में जानकर कैसा लगा और जया बच्चन के लिए प्रेयर्स हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।